नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाधान इंडिया में एक बार फिर से। अभी अभी खबर आ रही है कि गांडे से एक कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि गिरिडीह में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। चलिए जुड़ते हैं गांडे संवाददाता आफ्ताब से और जानने का प्रयास करते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। कोरोना का संकट अब गिरिडीह में धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती भी है। आज गांडे प्रखंड से कोरोना मरीज की पुष्टि के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप और भय का माहौल भी है। अब चुनौती पहले से भी बड़ी हो गई है। अब ऐसे में बेहद जरूरी हो गई है कि आप सावधान रहें। कोरोना की अब तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं की जा सकी है। ऐसे में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होना चिंताजनक है। गांडे में कोरोना मरीज की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन भी गांडे पहुंची और वस्तु स्थिति का जायजा लिया। गिरिडीह से मिले अभी तक के कोरोना मरीजों की पुष्टि में सभी बाहर से आने वाले लोग ही हैं। ऐसे में चिंता इस बात की है और भी अधिक बढ़ गई है कि जिस तरह प्रवासी मजदूर लगातार अपने गृह राज्य झारखंड की ओर रुख कर रहे हैं, हजारों लोग अभी तक पहुंच चुके हैं और कई लोग अभी घर को वापस आएंगे। ऐसे में सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी कि इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए। कल मिले जमुआ और बिरनी में कोरोना मरीजों की पुष्टि के बाद अब गांडे में कोरोना मरीज की पुष्टि इस बात के संकेत हैं कि आने वाले दिनों में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। ऐसी स्थिति में समाधान इंडिया आप लोगों से लगातार अपील कर रही है कि आप भी अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि अब सावधान रहना बेहद जरूरी हो गया है। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार और देश भी सुरक्षित रहेगा। समाधान इंडिया की रिपोर्ट। तो इस वक्त हमारे साथ गांडे संवाददाता आफ्ताब आलम जी हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि गांडे में अभी एक कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। आफ्ताब जी, गांडे से एक कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है, क्या जानकारी है आपको? जी, अभी अभी उसका रिपोर्ट आया है कि जो बाहर से आए थे, एक मजदूर है जो सूरत से आए थे काम करके और 7 तारीख को ही पहुंचे थे, उनको क्वारंटाइन किया गया था यहाँ के स्कूल में और अभी उनकी रिपोर्ट आई है तो पता चला है कि पॉजिटिव रिपोर्ट है। तो प्रशासन भी यहाँ पहुंची हुई है और हम स्थल से थोड़ा सा दूर है, उनसे कुछ ही दूर में। अभी समय हम पीपीई नहीं होने के कारण स्थल पर नहीं जा पा रहे हैं जी। और एक रिपोर्ट आ रही है जो पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव है, क्या प्रशासन वहां पर पहुंच गई है? किस जगह की ये जो कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है, ये किस गांडे में किस पंचायत की है, क्या जानकारी है, कुछ है आप बता सकते? गांडे से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर एक पंचायत है, झरघट्टा पंचायत है सर, झरघट्टा पंचायत है, जहाँ पर बेलाटांड गांव बताया जा रहा है। बेलाटांड गांव का एक टोला बताते हैं, कोई एक टोला है, बेलाटांड गांव ही है जिसमें एक मरीज मिला है जो कोरोना पॉजिटिव के रूप में आया है, जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उनकी। जी, जो मरीज कोरोना की जो पुष्टि हुई है, जो पॉजिटिव पाया गया है, क्या वो प्रवासी मजदूर थे, बाहर से आए थे? जी जी, बताया जा रहा है कि वो सूरत से आए हैं, सूरत में काम करते थे, वो एक प्रवासी मजदूर हैं। 7 तारीख को वो उनका आगमन हुआ था और उसके बाद यहाँ गांव के ही स्कूल में उन्हें क्वारंटाइन किया गया था और अभी उनकी जो रिपोर्ट आई है तो चौंकाने वाली है, जो एक पॉजिटिव रिपोर्ट है। और बताया जा रहा है कि वो उसके साथ में और कई सारे मजदूर हैं, तकरीबन 17 लोग हैं जो उनके साथ नहीं रह रहे थे, तो उनकी भी अब रिपोर्ट आएगी तो थोड़ा सा चौंकाने वाला भी हो सकता है। क्वारंटाइन सेंटर में वो रह रहे थे, अपने अपने घर को नहीं गए थे, क्वारंटाइन सेंटर में थे वो? जी, क्वारंटाइन सेंटर में ही थे जी। कितने दिनों से? 7 तारीख को वो आए थे बता रहे हैं आप? जी जी, 7 तारीख को आए थे और 7 तारीख के बाद से लेकर के अभी तक वो क्वारंटाइन में ही थे। जब उनकी रिपोर्ट आई है तो काफी गहमा गहमी का माहौल है, काफी चौकन्ना लोग हैं और पुलिस प्रशासन भी पहुंची हुई है, लोग अलर्ट हो गए हैं सुरक्षा को लेकर के। जी शुक्रिया आपका, आप भी अपना ख्याल रखें आफ्ताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गांडे में कोरोना मरीजों की पुष्टि होने के बाद गिरिडीह जिला प्रशासन पहुंची और उसके बाद वहां कई निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसे में गांडे थाना प्रभारी से समाधान इंडिया ने बात की है और उनका कहना है कि जो कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है उसको अस्पताल ले जाया जा रहा है। सुनिए क्या कहते हैं गांडे थाना प्रभारी। जी, इस वक्त हमारे साथ गांडे थाना प्रभारी जुड़ गए हैं। सर, समाधान इंडिया से बात कर रहे हैं स्टूडियो से। सर, गांडे में कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है, प्रशासन सर क्या पहल कर रही है? उसको क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है, हॉस्पिटल भेजा जा रहा है, अगल बगल जो जागरूक किया जा रहा है उसको, सोशल डिस्टेंस के बारे में जी गाँव में प्रचार प्रसार किया जा रहा है जी।
सर धारा 144 भी लगी है, आवागमन पर रोक है सर जी। शुक्रिया आपका। दिनों जब से प्रवासी मजदूरों का आना प्रारंभ हुआ है उसके बाद से 17,000 लोग अभी तक गिरिडीह जिला में प्रवेश कर चुके हैं और इसमें से तकरीबन 550 लोगों के सैंपल्स लेकर भेजे गए थे टेस्ट के लिए और उसमें से अभी तक 4 पॉजिटिव आए थे। आज गांडीय प्रखंड के कारी पहाड़ी गांव के भी एक पेशेंट को पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया है और जैसे ही ये डिक्लेरेशन किया गया है वैसे ही इस गांव में इस विद्यालय में जहाँ पर कि क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ था और जहाँ पे वह पेशेंट रह रहा था उसको भी इमीडिएटली शिफ्ट कराते हुए ANMT बद्दीहा में भेजा गया है जहाँ पर कि वो आइसोलेशन में रहेगा और उसकी समय समय पे स्वास्थ्य संबंधित जांच होती रहेगी, आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस गाँव में ये जो क्वारंटाइन सेंटर है इसको पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया जा रहा है, बांस पल्ले लगाकर यहाँ पर किसी भी तरह का आवागमन बाधित किया जाएगा। इस पूरे गांव में भी जहाँ तक कंटेनमेंट जोन बना है, जहाँ तक कि बफर जोन जाएगा वहाँ तक भी पूरी बैरिकेडिंग रहेगी। धारा 144 के तहत यहाँ पर कर्फ्यू भी घोषित रहेगा, किसी का आवागमन अब इस गाँव में नहीं होगा, फसल यहाँ नहीं होगा। फ्यूमिगेशन और सैनिटाइजेशन की कार्रवाई शुरू हो गई है, आगे आने वाले दिनों में जारी रहेगी और सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल टीम यहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके जितने भी लोगों के साथ वह व्यक्ति कॉन्टैक्ट में, हालांकि ज़्यादा के साथ नहीं है क्योंकि वो आने के दिन से ही यहाँ पर क्वारंटाइन में है और किसी से मिलना जुलना नहीं हो रहा है, तो इन्हीं सारे प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स के स्क्रीन किए जाएंगे, इनके सैंपल्स आवश्यकता पड़ी तो लिए जाएंगे और सप्लाईज़ का ख्याल रखा जाएगा किसी तरह से लोगों को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़े, कोशिश की जाएगी राशन इत्यादि सभी के घर में ही पहुँच जाए। मेरी इस पूरे गांव वालों से गुजारिश रहेगी कि यहाँ पर एहतियात बरतें, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, कम्युनिटी सर्वेलेंस को प्राथमिकता दें। सरकार और प्रशासन द्वारा कोविड से बचाव के जितने भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं तो अब स्थिति भयावह हो गई है। जी हाँ, गिरिडीह में जिस तरह से स्थिति अब धीरे धीरे कोरोना मरीजों की बढ़ती जा रही है, स्थिति चिंताजनक है। ऐसे में अब बेहद ज़रूरी है कि आप अपने अपने घरों में रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। साथियों, एक बहुत बड़ी बात है कि अब चूंकि गिरिडीह में कोरोना मरीजों की पुष्टि होने के बाद अब अगर आप बेवजह घर से बाहर निकलेंगे तो कोरोना के चपेट में आने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात की जानकारी आप गांठ बांध लें और समाधान इंडिया आप लोगों से लगातार अपील कर रही है कि आप अपने अपने घरों में रहने का प्रयास करें। बहुत ज़रूरी हो तभी आप घरों से बाहर निकलें, मास्क का उपयोग करें, लगातार हैंड वॉश से अपना हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। समाधान इंडिया आपको कोरोना अपडेट लगातार देते रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।